एनिमल मूवी जो है वो देखा नहीं है, शायद ही कुछ लोग होंगे इंडिया में, क्यों है ना? आप में से भी शायद सभी लोग देखे होंगे। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट दिया शो मूवी के बारे में, कुछ लोग पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल मूवी का, नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, मूवी है, कुछ लोगों का अच्छा लगेगा कुछ लोगों का नहीं। लेकिन हाँ, बहुत कम ही लोग हैं जो एनिमल मूवी जो है नहीं देखा है। तो एनिमल मूवी में एक्चुअल में क्या था, रणवीर कपूर जो है अपने पापा के लिए, पापा 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 इतना बार बोला है, मैं क्या ही बताऊं, तो जो भी हो अपने पापा के लिए दुनिया जला दूंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पे था। एल्विश यादव आप लोगों का जो कि सबका प्यारा है, सबका दुलारा है, बहुत लोग हो जो वीडियो देख रहे हो शायद जो एल्विश के फैन हो, एल्विश को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो वो भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन फर्क इतना ही है, एनिमल मूवी जो था वो रियल लाइफ था और ये था रियल लाइफ। लेकिन एल्विश यादव ने किया क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि आपको पता है मैं सुपर्णा, सबसे पहले स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एल्विश यादव के ऊपर चल रहा था बहुत सारे केसेस। एल्विश यादव का दुख जो है और दुख भरी कहानी जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या हो गया, फाइनली जो है एल्विश के फादर, एल्विश के मदर, एल्विश के फ्रेंड्स, एल्विश के फैंस, एल्विश के आर्मी सब लोग हो गए खुश, क्योंकि एल्विश को फाइनली मिल गया है बेल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पहले उनको नोएडा पुलिस ने अटक किया था, वहां पर जमानत मिल गया। उसके बाद उनके ऊपर और एक केस था जो कि गुड़गांव साइड से था, गुड़गांव पुलिस के साइड से था, वहां पर भी जमानत उनको मिल गया। लेकिन ये जो पूरा चीजें चला वो चला था आज के डेट में, मतलब 23rd मार्च को ये सारी चीज हुआ है। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी शायद बिग बॉस, अभी जो है एल्विश अपने माँ बाप फ्रेंड फैमिली सबके साथ बहुत खुश से अपने घर पे होंगे। लेकिन बात क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है आजकल के डेट पे, जहां पर एल्विश यादव को जाने को लेकर जब वो कोर्ट पे गए थे हाजिरा के लिए, डिस्कशन के लिए, उसके बाद वो नोएडा पे गए, नोएडा से वहां पर मिल गया, उसके बाद बहुत अच्छे से प्यारा सा स्माइल देते हुए देखा हमें एल्विश यादव। उसके बाद उसको गुड़गांव पे भेजा गया, तभी तक उसको छोड़ा नहीं गया, उसको मिल नोएडा से वापस होकर फिर गुड़गांव पे गए, उसके बाद गुड़गांव पे भी बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनली बहुत कुछ हुआ, फिर फाइनली बहुत डिस्कशन, बहुत चर्चा, बहुत कुछ होने के बाद, बहुत प्रूफ लेना देना सब कुछ होने के बाद फाइनली एल्विश यादव को मिल गया बेल। क्योंकि बहुत सारे फालतू जो कि नो जो बोला जा रहा है इन द सेंस कि आज तक के खबरें के माने जो जो धरा है उसके ऊपर लगातार 27, 27A, 20x8 वो सब एकदम नो गलत था, जिसके वजह से उसको फाइनली बेल मिल गया। लेकिन ये जब सब चीज हो रहा था, मीडिया ने कैप्चर किया एक वीडियो जहां पर एल्विश यादव जो है उसका जो और एक रूप है, उसका जो और एक स्वैग वाला सैवेज वाला, या आप बोल सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे छपरी, कुछ लोग बोलते हैं गुंडा, कुछ लोग बोलते हैं गैंगस्टर, कुछ लोग बोलते हैं सच में एक गलो बेटा का प्यार अपना पिता के लिए, तो वही चीज देखने को मिला। एक्चुअली हुआ क्या था, तो जब ये चीजें चल रहे थे डेफिनेटली मीडिया वाले भी वहां पर थे, मीडिया भी सब चीज कैप्चर कर रहे थे। इन बिटवीन वहां पर एक वीडियो कैप्चर हुआ जहां पर पुलिस नो एल्विश के पिता आए, एल्विश के पापा के साथ एल्विश कान में कुछ बात किया, मतलब एल्विश के जो फादर है पिताजी ने कान पे कुछ कहा एल्विश का, और उसमें ही एल्विश यादव थोड़ा हंसे एंड रिएक्ट करके बात कर रहे थे। लेकिन वहां पर एक पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मीकर्ता थे, जिन्होंने कहा उनके फादर को कि ये सब चीज मत कीजिए, बेसिकली उन्होंने मना किया। उस टाइम पे एक अग्रेसिव जो नो रिएक्शन है उनका देखने को मिला। डेफिनेटली देखो अपने उसका वैसे ही मूड खराब है, इतना कुछ उसके ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर उसके फादर को अगर कोई गलत वे में बात करेगा तो एक रिएक्शन निकल जाता है, वही रिएक्शन जो है देखने को मिला। लेकिन एल्विश का जो ये जमानत फाइनली हो चुका है, बेल हो चुका है, इससे तो बहुत लोग बहुत ज्यादा खुश है,
सब जगह इसके ऊपर बात हो रहा है, लेकिन इन बिटवीन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसके पास पैसा था, उसके पास पॉलिटिकल पावर था, इसलिए उसको 2 दिन के अंदर बेल मिल गया, इवन 14 डेज तक भी उसको रहना नहीं पड़ा। यही अगर कोई नॉर्मल आदमी होता जिसका जो रिच नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, बेसिकली हैसियत तो अभी मेजर किया जाता है पैसे से, तो पैसा नहीं है तो उनको इतना कभी नहीं होता, उनको तो एटलीस्ट 1-2 साल तो रहना ही पड़ता बिना कुछ करे या ना करे। तो यस, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है, लेकिन खुश का बात अगर ये बोलूं तो पॉजिटिव साइड ज्यादा है, लोग जो है ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, ज्यादातर खुश है। ट्विटर पे ट्वीट पे ट्वीट ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है एल्विश के नाम पे, एल्विश के ऊपर, एल्विश के फैमिली के लिए बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि फाइनली एल्विश जो है छूट गया है जेल से, एंड अपने होली जो है, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा, वो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसमें आपको क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सुपर्णा आपसे लेती हूँ इजाजत अभी के लिए, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।